गुड मॉर्निंग बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम त्रुटियों का संयोजन पढ़ रहे थे। उसमें हमने योग में त्रुटि, घटाव में त्रुटि, गुणन में त्रुटि और भागफल में त्रुटि पढ़ ली थी। आज हम बच्चों पढ़ेंगे घातों में त्रुटि। ठीक है, तो देखो घातों में त्रुटि का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि है हमारे पास में क्या ए, और उसकी घात कितनी है एन है। ठीक है, तो इसका मान हमने मान लिया कितना है एक्स। तो हम कह रहे हैं माना डेल्टा ए, ए में त्रुटि है तो डेल्टा एक्स किस में त्रुटि होगी बेटा, एक्स में त्रुटि होगी। डेल्टा एक्स किस में त्रुटि होगी भाई, एक्स में त्रुटि होगी। तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण नंबर एक है यहाँ पर घात जब भी आएगी हम इसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो समीकरण एक का अवकलन करने पर, तो देखो जैसे ही हम इसका अवकलन समीकरण एक जो है उसका अवकलन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, समीकरण एक में दोनों तरफ क्या लेंगे, लघु गुणक लेंगे। क्या लेंगे बेटा, लघु गुणक लेने पर, लघु गुणक ले लो। तो जैसे ही लघु गुणक लेंगे क्या बन जाएगा, log ऑफ x इक्वल टू द log ऑफ a रेज टू पावर n। ठीक है, तो जब लघु गुणक हम लेते हैं तो log x लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी, राइट हैंड साइड में जो n है ये उड़ के कहाँ आ जाएगा बेटा, ये n जो है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि ये log का क्या होता है, पावर में फॉर्मूला होता है। इस तरीके से आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा, सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड देने के बाद में हम क्या करेंगे, समीकरण दो का अवकलन करेंगे। तो समीकरण दो का अवकलन करने पर, तो देखो लोग x का अवकलन कितना होता है 1/x, और फिर x का करेंगे तो कितना आ जाएगा डेल्टा x। वैसे ही n तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। लोग a का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा, लोग a का हो जाएगा 1/a, और a का करेंगे तो कितना आ जाएगा डेल्टा a। तो अब हमारे पास में जो एरर आ जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू n डेल्टा a अपॉन a। इस प्रकार से हम जो है घातों में क्या प्राप्त कर लेंगे, त्रुटि प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से हम घातों में त्रुटि प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बेटा मेरे पास आता है सार्थक अंक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास आता है बेटा सार्थक अंक, इसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, देखो किसी भी भौतिक राशि को जो है वह सार्थक अंकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सार्थक अंक क्या होते हैं कि किसी भौतिक राशि के मान को किसमें बेटा, सार्थक अंकों के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब आपके पास में एक मान आएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो वो हमें बताने हैं। तो इसके कुछ नियम हैं। ठीक है, सार्थक अंक निकालने के क्या हैं नियम, तो नियम नंबर कौन सा, फर्स्ट। देखो नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि सभी अशून्य अंक क्या होते हैं भाई, सार्थक अंक होते हैं। पहला नियम जो है वो है कि सभी अशून्य अंक, मतलब जितने भी जीरो के अलावा जितने भी अंक है वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं 4136, तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक है, चार, एक दो तीन
चार सार्थक अंक है। मैं लिख दूं 3.234, इसमें कितने अंक है देखो, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 0 एक भी नहीं है, तो इसमें भी कितने सार्थक अंक है, 4 सार्थक अंक है। तो ये पहला नियम है कि जितने भी अशून्य अंक होंगे, मतलब एक भी 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो 0 नहीं है वो सारे के सारे क्या है, सार्थक अंक है। जैसे इसमें 4 कैसे है, 1, 2, 3, 4। जैसे मैं लिख दूं 1.3, तो इसमें कितने सार्थक अंक है, 2। ठीक है, तो ये है नियम नंबर फर्स्ट, क्या कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। नियम नंबर दो, नियम नंबर दो क्या कहता है कि अशून्य अंकों के मध्य आया शून्य भी क्या होगा बेटा, सार्थक अंक होगा। ध्यान से दीजिए कि अशून्य अंकों के बीच में आया हुआ शून्य भी क्या होगा, सार्थक अंक होगा। जैसे मैंने लिख दिया 3.003, तो इसमें कितने सार्थक अंक, देखो एक सार्थक अंक तो ये 3 हो गया, एक सार्थक अंक ये 3 हो गया, तो दो तो ये हो गए, लेकिन ये जो 2 जीरो आ रहे हैं, ये 2 जीरो दोनों के दोनों अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं, तो अशून्य अंकों के बीच में आया हुआ शून्य भी क्या माना जाएगा, सार्थक अंक माना जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने आ जाएंगे, 4 सार्थक अंक आ जाएंगे। एक और उदाहरण कर लेते हैं 1.01, तो इसमें कितने अशून्य अंक है बेटा, 3, क्योंकि दो अशून्य संख्याओं के बीच में अगर 0 आ रहा है तो ये भी क्या माना जाएगा, सार्थक अंक माना जाएगा। तो ये आ गया नियम नंबर कौन सा, 2 हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 क्या कहता है, देखिए नियम नंबर 3 कहता है मेरा कि अशून्य अंकों के बाई ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए अशून्य अंक के बाई ओर के अंक शून्य जो है वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 0, 0, 1, 4, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, केवल 2, क्योंकि अशून्य अंक पहला कौन सा है, 1, तो इसके बाई ओर के जो शून्य है उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 0.0031, तो इसमें भी कितने अशून्य अंक है, 2 ही अशून्य अंक है, बाकी अशून्य अंक के बाई ओर 0 आ रहा है तो इन्हें काउंट नहीं करेंगे। लेकिन मैं कह दूं 0.0101, इसमें कितने अशून्य, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, देखो अशून्य अंक कौन सा आ रहा है पहला, ये 1 आ रहा है, तो इसके बाई ओर के शून्य तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन ये वाला 0 जो है वो 2, दूसरे वाला नियम कि 2 अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य आ जाए तो वो तो काउंट होगा, तो इसमें कुल कितने सार्थक अंक आ जाएंगे बेटा, 3, क्योंकि ये वाला भी काउंट होगा। तो इस प्रकार से अशून्य अंकों के बाई ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा नियम नंबर कौन सा, 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है बेटा कि अशून्य अंकों के दाई ओर के अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंकों के दाई ओर के अंक क्या होंगे, सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मान लीजिए 5000, तो इसमें कितने सार्थक अंक है, देखो ये अशून्य अंक है लेकिन ये 0 जो है वो अशून्य अंक के कहाँ आ रहे हैं, दाई ओर आ रहे हैं, तो अशून्य सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे। जैसे मैं लिख दूँ 1.540, तो इसमें कितने सार्थक अंक है, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि ये जो शून्य आ रहा है वो अशून्य अंक के कहाँ रहा है, दाई ओर आ रहा है, तो इसमें भी कितने सार्थक अंक होंगे, 4 सार्थक अंक होंगे। और अब इसका नियम नंबर 5 जो कि अंतिम नियम है उसको भी आप देख लीजिए। नियम नंबर 5 चर घातांकी रूप में घातों को सार्थक अंक
नहीं माना जाएगा। जैसे पाँच गुणा दस की घात तीन, तो इसमें आप देखिए कि दस की घात यानी किसको बोलते हैं, चर घातांक की रूप, कि चर घात दस की घात में अगर जीरो आ रही है तो इसको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। तो इसमें केवल कितना सार्थक अंक है बेटा, एक। चौबीस गुणा दस की घात नौ, तो इसमें कितने सार्थक अंक, केवल दो ही सार्थक अंक है। हाँ, अगर बीस लिख 200 लिख दिया जाए तो 200 में कितने सार्थक अंक होंगे, तीन, क्योंकि यहाँ पे नियम नंबर चार काम करेगा। कौन सा वाला, कि भैया अशून्य अंक के दाईं ओर के अंक क्या गिने जाएंगे, सार्थक अंक गिने जाएंगे। तो इसमें तो सार्थक अंक तीन है, लेकिन इसी को अगर मैं दो गुणा दस की घात दो लिख दूं तो इसके अंदर केवल सार्थक अंक कितना होगा, एक। भाई ये और ये बात एक ही है, लेकिन इसके अंदर तो इन शून्य को सार्थक अंक गिना जाएगा, लेकिन ये दस की घात दो में चले गए यानी चर घातांक के रूप में चले गए, तो इन्हें अशून्य अंक नहीं गिना जाएगा। यहाँ पर केवल अशून्य अंक, सॉरी, इन्हें सार्थक अंक नहीं गिना जाएगा, यहाँ पर सार्थक अंक केवल कितना होगा, एक ही होगा। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक सार्थक अंक पूरा हो गया है। इसके आगे का टॉपिक राउंडिंग ऑफ, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।